दोस्तों टीवी इंडस्ट्री आज एंटरटेनमेंट का नंबर वन जरिया बन चुका है, जहां हमें सास बहू की साजिशों के साथ साथ हंसी के ठहाके और क्राइम थ्रिलर्स और मेलोड्रामा जैसे कई टीवी शोज देखने को मिलते हैं। और उन्हीं टीवी शोज के चलते आज देश भर के लोग खुद को एंटरटेन ना कर पा रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री अक्सर अपने नए नए टीवी शोज और सीरियल्स के साथ साथ दर्शकों का दिल जीती हुई नजर आई है। एक बार फिर से टीवी इंडस्ट्री तैयार है अपने नए और पुराने टीवी शोज के सेकंड पार्ट्स के साथ आप सभी का दिल जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, हमें जल्द ही टीवी इंडस्ट्री में कुछ नए तो कुछ पुराने टीवी शोज के सेकेंड पार्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आखिरकार कौन से है वो नए शो और क्या कुछ होगा उसमें, चलिए जान लेते हैं इसी मजेदार सवालों के जवाब। नंबर एक, विद्रोही। इस लिस्ट में नंबर वन पर शुमार है अपकमिंग शो विद्रोही, जो कि बहुत ही दिनों से खबरें आ रही थी कि स्टार प्लस पर इस सीरियल के साथ आप सभी का एंटरटेनमेंट करने आ रहे हैं। बता दें कि इस शो में हमें शरद मल्होत्रा लीड रोल करते दिखाई दे सकते हैं, जो कि सस्पेंस भरा होने वाला है। फिलहाल खबरें ये आ रही हैं कि टीवी शो जुलाई के महीने में ऑन एयर कर दिया जा सकता है, लेकिन अभी भी इसकी फाइनल कन्फर्मेशन आना बाकी है। नंबर दो, ये है मोहब्बतें। इस लिस्ट में आप सभी का अपकमिंग शो फेवरेट जो है ना, उसका नाम है ये है मोहब्बतें का सीजन टू। इसी बात से तो आप सभी लोग वाकिफ ही हैं कि ये है मोहब्बतें शो काफी लंबे समय तक दर्शकों का खूब मनोरंजन करता दिखाई दिया था। इसमें इशिता भल्ला के साथ रमन भल्ला की केमिस्ट्री और शगुन की साजिशों से दर्शकों ने अपना भरपूर एंटरटेन किया था, और शो के ऑफ एयर हो जाने के बाद से ही दर्शक इसके सेकंड पार्ट की खूब ज्यादा जोरों शोरों से मांग भी कर रहे थे। इसलिए तो मेकर्स सीरियल के सेकंड पार्ट को बनाने की तैयारियों में लग गए हैं, जिसमें आपको पहले की तरह कई स्टार कास्ट और रिपीट भी देखने को मिल सकती है। नंबर तीन, खतरों के खिलाड़ी सीजन 11। टीवी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रियलिटी शोज में से एक खतरों के खिलाड़ी के सभी सीजन्स को दर्शक अपना भरपूर प्यार देते हैं, और अब शो की श्रृंखला को बढ़ाते हुए रोहित शेट्टी इसके 11वें सीजन के साथ टीवी पर दस्तक देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, खबरें हैं कि शो में हमें निकी तंबोली, दिव्यांका त्रिपाठी और अर्जुन बिजलानी जैसे कई दमदार स्टार्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप खतरों से खेलते हुए देखने वाले हैं, जिसे जल्द ही ऑन एयर करने की तैयारी की जा रही है। नंबर चार, जिंदगी मेरे घर आना। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के बाद इस लिस्ट में चौथा नाम शुमार है सीरियल जिंदगी मेरे घर आना का। बता दें कि स्टार प्लस पर ऑन एयर होने वाला ये न्यू अपकमिंग सीरियल है, जो कि मई के महीने में ऑन एयर होने वाला था, लेकिन अब सीरियल को ऑन एयर करने के लिए डेट पोस्टपोन कर दी गई है। इसकी रिलीजिंग डेट जल्द ही हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, और जल्द ही आपको सीरियल के स्टार कास्ट से भी रूबरू करवाएंगे। नंबर पाँच, ये रिश्ते हैं प्यार के टू। टीवी इंडस्ट्री का लोकप्रिय धारावाहिक ये रिश्ते हैं प्यार के अब तक हमें एक ही शो के अंदर दो सीजन्स देखने को मिल चुके हैं, और अब मेकर्स इसके सेकंड पार्ट के साथ भी आप सभी का दिल जीतने के लिए आ रही हैं। खबरों की माने तो हमें भी इसमें रिया शर्मा और शाहिर शेख ही देखने को मिलेंगे, जो कि सीजन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो सूत्रों ने बताया है कि सीरियल हमें साल 2021 के मिडिल में ही देखने को मिल सकता है, जिसे मेकर्स जल्द ही फ्लोर पर लाने वाले हैं। नंबर छह, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी थ्री। इस लिस्ट में छह नंबर पर अपना नाम शुमार कराता है साल 2016 में टीवी पर टेलीकास्ट हुआ शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का। दोस्तों बता दें कि मेकर्स अब तक सीरियल के दो पार्ट्स के साथ आप सभी का दिल तो जीत चुके हैं, और अब वो इसके थर्ड पार्ट के साथ पर्दे पर दस्तक देने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। खबरें हैं कि इसमें हमें एरिका फर्नांडिस और शाहिर शेख के साथ साथ सुप्रिया पिगलांवकर मेन लीड रोल में नजर आ सकती है। नंबर सात, पुनर्विवाह। इस लिस्ट के आखिरी कड़ी में नाम शुमार है साल 2012 में सी टीवी पर प्रसारित हुआ शो पुनर्विवाह का भी, जिसका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही पार्ट दर्शकों का दिल जीतते हुए नजर आए थे, और अब बस सीरियल की इसी सक्सेस को देखते हुए मेकर्स उसके थर्ड पार्ट को लाने के लिए रेडी हो गए हैं। खबरें हैं कि मेकर्स एक बार फिर से सीरियल के सेकेंड पार्ट की तरह हमें कृतिका सेगर और गुरमीत चौधरी की जोड़ी को पर्दे पर दिखाने वाले हैं, जो कि अपनी इसी दिलचस्प जोड़ी के साथ साल 2021 के एंडिंग तक पर्दे पर दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे टीवी के वो चुनिंदा अपकमिंग शोज जो करने जा रहे हैं आप सभी का एंटरटेनमेंट। वेल, इनमें से आप किस सीरियल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसे धमाकेदार खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।